2000 रुपए के नोट आज से बदलने शुरू हो गए हैं। कई ये लोग आशंका जता रहे थे कि नोटबंदी की ही तरह इस बार भी बैंकों में भीड़ लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे में देखिए सवाल ये उठ रहा है कि लोग नोट बदलने बैंकों में क्यों नहीं आ रहे? क्या लोगों के पास 2000 के नोट नहीं है या फिर उन्हें कहीं दूसरी जगह ठिकाने लगाया जा रहा है? इसके साथ ही ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि नोट बदलवाने के लिए बैंक की तरफ से जानकारी क्यों नहीं मांगी जा रही? विपक्ष तो आरोप यहां तक लगा रहा है कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने की स्कीम है। आखिर इस आरोप की वजह क्या है? 2000 के नोट क्यों छापे गए और क्यों बंद किए जा रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शुरू हो गया 2000 के नोट का आखिरी सफर। 2000 के नोट बंद होने का भ्रष्टाचारियों पर क्या असर? 7 साल का साथ, अब एक्सचेंज ऑफर। 2000 रुपए के नोट्स को बदलने की प्रोसेस आज से शुरू हो गई। एक शख्स एक दिन में एक बार में 2000 के 10 नोट बदल सकता है, जबकि 2000 रुपए के नोट जमा करने को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। आप अपने अकाउंट में कितने भी नोट जमा कर सकते हैं। 2000 के नोट बदलने और जमा करने की ये प्रोसेस 30 सितंबर तक जारी रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि 2000 के नोट जा कहां रहे हैं? नोट बदलने के लिए नोटबंदी के वक्त वाली भीड़ इस बार नजर क्यों नहीं आ रही है? तो इसका जवाब ये है कि लोग फिलहाल बैंक जाने से बच रहे हैं। हालांकि RBI की गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर आप नोट बदलने बैंक जाते हैं तो बैंक आपसे कोई जानकारी नहीं मांगेगा। फिर भी अभी बहुत कम संख्या में लोग बैंक जा रहे हैं, तो फिर सवाल है कि लोग 2000 रुपए के नोट्स को कहां ठिकाने लगा रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि जिनके पास बड़ी तादाद में 2000 के नोट हैं, वो लोग फिलहाल इन नोटों को या तो रियल एस्टेट यानी जमीन और मकान खरीदने में लगा रहे हैं, या फिर इनसे ज्वेलरी शॉप में जाकर हीरे जवाहरात की खरीदारी हो रही है। कुछ लोग फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सेंटर में जाकर 2000 के नोट देकर डॉलर खरीद रहे हैं। एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो 2000 रुपए के नोट्स को पेट्रोल पंप्स पर खपा रही है। बैंकों में लोग अभी इसलिए भी कम जा रहे हैं क्योंकि नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, यानी 4 महीने से भी ज्यादा। इसीलिए लोगों को भरोसा है कि इससे पहले ही वो रियल एस्टेट, सोने चांदी या फिर दूसरी जगह 2000 के नोट्स को ठिकाने लगा देंगे। जो इक्का दुक्का लोग बैंकों में अभी आ रहे हैं, वो ये देखकर हैरान है कि आखिर काउंटर पर भीड़ क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों ने 2016 की नोटबंदी और उस दौरान लगी भीड़ देखी थी। उसकी तुलना में इस बार बैंकों में भीड़ ना के बराबर है। ये जो 2000 के नोट अब सितंबर के बाद से नहीं चलेंगे, इससे कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ लंबी लाइन मिली है? बिल्कुल नहीं मिली। नहीं, लाइन तो नहीं मिली है इतनी के लिए। अब आए हैं, देख रहे हो बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। भाई फॉर्म नहीं भरना पड़ा, कोई दूसरी प्रक्रिया अपनानी नहीं पड़ी, आपने सीधे दिया और सीधे वापस ले लिया। ये अच्छी बात है कि लोगों को नोट बदलने के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा, भीड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2000 के नोट उन लोगों के पास है ही नहीं जो बैंकों के सामने भीड़ लगाते हैं। हकीकत यह है कि 2000 के नोटों का सर्कुलेशन पहले ही कम हो गया था। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 के नए नोट मार्केट में आए। 31 मार्च 2018 तक मार्केट में 2000 के 336.5 करोड़ नोट थे, जिनकी वैल्यू 6.73 लाख करोड़ थी। लेकिन 5 साल बाद यानी 31 मार्च 2023 में 2000 के नोटों की संख्या घटकर 181 करोड़ रह गई और इनकी वैल्यू 3.62 लाख करोड़ थी। यानी 5 साल में मार्केट से 2000 के 155 करोड़ नोट गायब हो गए, जिनकी वैल्यू 3.11 लाख करोड़ थी। अब सवाल यह है कि 5 साल में मार्केट से 3.11 लाख वैल्यू के जो 155 करोड़ नोट गायब हुए, वो कहां गए? इस सवाल के 4 जवाब हैं। पहला तो ये है कि रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 2000 के 102 करोड़ नोट नष्ट किए हैं, तो अब बचे करीब 54 करोड़ रुपए, जिनकी वैल्यू है करीब 1 लाख करोड़ रुपए। इन 54 करोड़ रुपयों में से कुछ हिस्सा आम लोगों के पास है, हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम है। कुछ नोट बैंकों के पास है क्योंकि बैंक पिछले कुछ महीनों से ना तो 2000 रुपए के नोट दे रहे थे और ना ही ATM में डाल रहे थे। और बाकी बचे 2000 रुपए के नोटों के बारे में ये माना जा रहा है कि उन्हें ब्लैक मनी के तौर पर होल्डिंग किया गया होगा। 2000 रुपए के नोट ब्लैक मनी के तौर पर रखे जाने की बात इसलिए भी सही लग रही है क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जब भी भ्रष्टाचारियों के यहाँ छापे मारे गए तो 2000 रुपए के नोटों के बंडल ही ज्यादा दिखे। 19 मई को जब सरकार ने 2000 के नोट्स को फेज आउट करने का ऐलान किया,
तो उसके बाद जयपुर में योजना भवन में रखी एक अलमारी में रखे बैग से भी ये सब कुछ बरामद हुआ। 500-500 की गड्डियों और सोने के बिस्किट्स के अलावा इतनी बड़ी संख्या में 2000 के नोटों के बंडल। तो ये बात तो तय है कि इस वक्त देश में जो ब्लैक मनी है उसमें बड़ी संख्या ऐसी है जो 2000 के नोटों के रूप में जमा करके रखी गई। ऐसे में सवाल है कि सरकार ने 2000 का नोट वापस लेने का जो फैसला किया है, क्या उससे ब्लैक मनी खत्म होगी? फिलहाल ऐसा होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2000 के नोट बदलने का अभी जो नियम है उसके मुताबिक आपको नोट बदलवाने के लिए अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ऐसे में ब्लैक मनी वाले लोग कमीशन देकर आम लोगों से अपने नोट बदलवा सकते हैं, अपने भरोसेमंद लोगों के अकाउंट में 2000 के नोट जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में रियल एस्टेट, ज्वेलरी शॉप और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सेंटर में जिस तरह की भीड़ दिख रही है, उससे भी ये अंदाजा लग रहा है कि 2000 के नोट कहां खपाए जा रहे हैं। हालांकि जब इस बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2000 के नोटों से रियल एस्टेट और गोल्ड खरीदे जाने के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं है। परचेजेस ऑफ गोल्ड रियल एस्टेट के बारे में मैं कह नहीं सकता, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट विल बी वेरी वेरी मार्जिनल। आई एम सेइंग वेरी मार्जिनल बिकॉज इट्स ओनली 10.8% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन एंड एज यू नो 2000 रुपी नोट्स वेर नॉट कॉमनली यूज्ड इन एनी ट्रांजैक्शंस। I have not seen, or in fact, anecdotally, and we have done also some informal survey in various locations in India. We have found that hardly it is used for carrying out, hardly 2000 rupee notes are used for carrying out transactions. So therefore, economic activity will not be impacted. Reserve Bank ke governor ki ye baat to sahi hai. कि 2000 के नोट फेज आउट होने से ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात भी सही है कि नोटबंदी के बाद जब सरकार 2000 रुपए के नोट लाई तभी से ये विवाद में है। लोग पूछ रहे थे कि अगर ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए 1000 रुपए के नोट बंद किए गए तो फिर 2000 रुपए के नोट लाने का क्या मतलब? इसका जवाब दिया नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि मोदी खुद भी 2000 का नोट लाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मजबूरी में इस नोट को मंजूरी देनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी सिद्धांत प्रारंभ से ही इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक व्यवहारिकता के लिए जब उन्होंने समझा कि यदि एक निर्धारित अवधि में डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की जानी है तो वह एक जो होता है रिलक्टेंटली उन्होंने इसकी स्वीकृति दी, लेकिन उनके मन में कभी भी यह संदेह नहीं था कि इस 2000 रुपए को किसी उचित समय पर जब हमारी क्षमता हो जाएगी तो हम इसको समाप्त करेंगे। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने 2018 के बाद 2000 रुपए के नोट नहीं छप रहे थे। अगर प्रधानमंत्री पहले दिन से ही क्लियर थे कि 2000 के नोट भविष्य में बंद किए जाएंगे तो फिर इन्हें लाए ही क्यों? अब आपको प्रधानमंत्री की मजबूरी भी समझा देते हैं। दरअसल जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया गया तो 500 और 1000 के नोट एक झटके से बाहर कर दिए गए। करीब 15.5 लाख करोड़ वैल्यू के नोट बैंकों में वापस आ गए। उस वक्त जितनी करेंसी वैल्यू चलन में थी उसका 99% रातों रात लीगल टेंडर नहीं रहा। 86% नोट झटके से खत्म हो गए। जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ 500 के नोट छापे जाते तो जो 15.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन से बाहर हुई थी उसकी भरपाई करने में महीने लग जाते और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लेकर रोजाना का लेन देन प्रभावित होता। इसलिए कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नकदी मार्केट में लाने के लिए हाई डेमोनेशन के नोट छापना मजबूरी बन गई थी, इसलिए 2000 रुपए के नोट छापे गए। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री तब भी मानते थे कि 2000 का नोट गरीबों के काम का नहीं है, इसकी होर्डिंग की जा सकती है, यानी इसे काले धन के तौर पर रखा जा सकता है। कदापि 2000 रुपए के नोट को गरीबों का नोट नहीं समझते थे। वो ये जानते थे कि 2000 रुपए का ट्रांजैक्शनल वैल्यू ना होकर के होर्डिंग वैल्यू है, इसलिए उनका यह मत था कि अगर किसी को 2000 रुपए के नोट रखने हैं तो बैंक में जाए, बैंक में धनराशि जमा करे। नॉन बैंकिंग सिस्टम घरों में होल्ड करें लोग, और जिसको फिर आप कहेंगे काला धन है, उसके पक्ष में वो नहीं थे।
नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि ब्लैक मनी की आशंका से ही प्रधानमंत्री मोदी 2000 का नोट लाने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि सरकार ने जब नोटबंदी की और 2000 का नोट लाई तब भी घोटाला हुआ, और अब जबकि बिना पूछताछ के 2000 के नोट बदले जा रहे हैं तो ये भी करप्शन को बढ़ावा देना है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की विंडो दी गई है कि एक बार में जाओ 10 नोट चेंज करा के वापस बाहर आ जाओ, दिन भर में अगर 20 बार जाना चाहते हो तो 20 बार चले जाओ। ये ब्लैक मनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ब्लैक मनी के लिए एक विंडो खोली गई है कि इस विंडो में जो आएगा वो 10 नोट लेके आए, दिन भर में 20 चक्कर लगा ले, 10 चक्कर लगा ले, 5 चक्कर लगा ले, 30 सितंबर तक जितने नोट लाना है लाइए, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने पिछले साल कितना इनकम शो किया, नहीं पूछेंगे। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज आप 2000 के एक्सचेंज को आपने एक छूट दे दी, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये तो वैसी बात हो गई कि रॉयल वेलकम किए करा जा रहा है ब्लैक मनी के कीपर्स को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।